नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा, तो आज हम बात करने वाले हैं टीसी कॉइन बारे। टीसी कॉइन में जिन लोगों के भी जो भी क्वेश्चंस हैं, आज उनका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए सारा कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है निकल के कि जो टीसी कॉइन है उसका जो स्टार्टिंग हुई थी, अगर वो आप देखेंगे तो इसकी जून में स्टार्टिंग हुई थी, वहां से लोगों ने माइनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और वहीं अगर आप बात करते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट थी माइनिंग की, ठीक है, जिन लोगों के फोन में अभी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अगर वो जानना चाहते हैं कि अब उनका विड्रो होगा या नहीं होगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो इसकी लास्ट माइनिंग डेट थी वो 27 नवंबर इसका लास्ट माइनिंग डेट था, और उसके बाद इसका जो माइनिंग है वो अब क्लोज हो चुका है। अब अगर आप माइनिंग करते हैं तो यहाँ पे माइनिंग नहीं होगा, जो इसका माइनिंग था वो एंड हो चुका है। यहाँ पे लिखा है, माइनिंग इज ओवर, शूटिंग इज क्लोज्ड, द लास्ट शूटिंग एंडेड ऑफ नवंबर 27। यहाँ पे अगर ये स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो इसमें सारा कुछ लिखा है कि 27 नवंबर को इसका लास्ट हो चुका है, अब इसके बाद माइनिंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है अगर आप माइनिंग सोच रहे हैं तो माइनिंग नहीं होगी। वहीं कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनके आंसर हम आपको दे देते हैं। अगर आप टोटल इसकी सप्लाई देखेंगे तो इसकी सप्लाई 6 बिलियन है। वहीं अगर आप ब्लॉकचेन इसकी देखेंगे तो इसकी ब्लॉकचेन ट्रॉन बेस, ये क्रिप्टो करेंसी है टीसी कॉइन, ठीक है। और अगर आप इसकी जो कंट्री है जहां से इसको, जो इसका मेन हेड ऑफिस है वो इसका टर्की में है, ठीक है, ये आपको बता दें, जो टर्की है वहां इसका मेन हेड ऑफिस है, उसके द्वारा ही इसको रेगुलेट किया जाता है, टर्की के द्वारा, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे लास्ट ऑफ टीसी कॉइन ईयर ड्रॉप, मतलब जो हमने आपको 27 नवंबर बताया है वो इसका लास्ट माइनिंग था, उसके बाद इसकी माइनिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लोज हो चुका। अब वहीं अगर आप बात करेंगे इसकी प्राइस की भी, आप बात कर लेते हैं, इसका जो प्राइस है वो INR में, ठीक है, INR में 1 ईयर में अगर आप देखेंगे, इसका लास्ट जो सबसे हाई प्राइस गया है वो 0.15 पैसे, लगभग 15 पैसे की समथिंग इसका प्राइस गया है, 10 पैसे से ऊपर, ठीक है, इसका जो हाई प्राइस था वो, ठीक है, ये आपको देख लेना है। वहीं अगर आप डॉलर में देखेंगे तो इसका जो करंट प्राइस है वो 0.00006777 चल रहा है, ठीक है। अगर आप डॉलर में इसका प्राइस देखेंगे तो 0.00006777 चल रहा है इसका डॉलर में प्राइस। अब बात कर लेते हैं जो आपके और क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों का विड्रो काफी टाइम पहले लगा हुआ है लेकिन उनका जो टीसी कॉइन है वो अभी भी उनको वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हेल्प एंड सपोर्ट में आपने कई बार ईमेल किया लेकिन आपको रिप्लाई नहीं मिला है, ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको बताते हैं इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको 3 लाइन पे जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का एक आइकन मिल जाता है, जैसा कि स्क्रीन शॉट में शो कर रहा है। तो जैसे ही आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाते हैं तो हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ईमेल वाला जो आपको ऑप्शन मिलता है, या आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको जीमेल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिस तरीके से इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को, जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, जैसा स्क्रीनशॉट आपके सामने शो रहा है। तो सबसे पहले आपने अपडेट कर लिया, अब आपका जो यहाँ पे विड्रो आपने काफी टाइम पहले लगाया है उसका एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है। जो भी आपने विड्रो लगाया था नवंबर से पहले, जिन लोगों ने विड्रो लगाया है उनको तो रिसीव होगा, लेकिन अब जो नवंबर के बाद में, और जो जिन लोगों ने 27 नवंबर के बाद विड्रो लगाया है या उनको ऑटोमेटिकली लग गया है, तो उनको अब टीसी कॉइन यहाँ पे रिसीव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 27 नवंबर के बाद जिन लोगों ने भी विड्रो लगाया है या जो लगाना चाहते हैं उनको टीसी कॉइन रिसीव नहीं होगा। जिन लोगों ने नवंबर से पहले विड्रो लगाया है उनके लिए यहाँ पे हम बताएंगे उनको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा जीमेल पे। अब जो जीमेल आईडी में आपकी रजिस्टर है वही जीमेल आईडी यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, तो फ्रॉम पे अपनी वही जीमेल आईडी आपको कर लेनी है, और करने के बाद में टू टू में, तो जैसे ही आप वहाँ पे करेंगे तो रीडायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट टू @TTCoin.info ये करके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट मिलता है तो सब्जेक्ट में आपका नाम लिख करके आएगा, और जो सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको एडिट कर देना है। जो भी आपका टॉपिक है आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माई विड्रोवल अमाउंट नॉट रिसीव,
अब यहाँ पे यूजर, यहाँ पे सारा कुछ लिख करके आएगा, तो नीचे आपको आना है, फिर आपको लिख देना है माई विड्रोवल अमाउंट डेट, माई विड्रोवल अमाउंट टाइम, माई विड्रोवल अमाउंट टीसी कॉइन, ठीक है। ये लिख करके आपको इनको और लिख देना है कि माई विड्रोवल अमाउंट नॉट रिसीव माई, जो भी आपने जहाँ पे भी एड्रेस डाला है वो एड्रेस आपको डाल देना है, और जो आपने यहाँ पे विड्रोवल का स्क्रीनशॉट है वो आपको इसमें लगा देना है और इनको सेंड कर देना है। तो कुछ टाइम में आपको यहाँ पर इनका ईमेल रिसीव हो जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट की तरफ से। तो इस वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। जिन लोगों का भी विड्रो 27 नवंबर के बाद अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपका अब नहीं लगेगा, इसका माइनिंग क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब माइनिंग नहीं होगी इस एप्लीकेशन। अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन है तो ईमेल के थ्रू आप हमें बता सकते हैं।